हाय, आई एम साक्षी। वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ खास अपडेट। वहीं हम बात करने जा रहे हैं अजय देवगन की उन पुरानी फिल्मों के बारे में जो कि हॉलीवुड या साउथ की फिल्मों का रीमेक थी। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं अजय देवगन की पहली फिल्म कयामत के बारे में। आपको बता दें कि कयामत हॉलीवुड की फिल्म का रीमेक था जिसका नाम था द रॉक। वैसे तो द रॉक तो सुपर डुपर हिट हुई थी, लेकिन कयामत को उतनी अच्छी रिस्पॉन्स नहीं मिल पाई थी। आपको बता दें कि इस फिल्म का सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था। वहीं हम बात करें अजय देवगन की दूसरी फिल्म इंसान के बारे में, तो इंसान तेलुगु फिल्म काटागामा का रीमेक था। काटागामा तो उस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हिट साबित हुई थी, लेकिन इंसान फिल्म ज़्यादा हिट नहीं हो पाई थी। लेकिन इसकी कास्टिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त थी। जी हाँ, इसमें खिलाड़ी कुमार भी थे। वहीं हम बात करें गोलमाल की, तो गोलमाल फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी। गोलमाल की सीरीज तक भी बन चुकी है। वहीं इसकी अगली सीरीज गोलमाल 5 की तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि गोलमाल तेलुगु फिल्म के काका कोयली का रीमेक है। काका कोयली सुपर डुपर हिट हुई थी, वहीं गोलमाल भी सुपर डुपर हिट हुई। वहीं हम बात करने जा रहे हैं संडे के बारे में। जी हाँ, संडे फिल्म तेलुगु की रीमेक थी जिसका नाम था अनुकर्णा ओका रोजू। अनुकर्णा ओका रोजू तो काफ़ी हिट हुई थी, वहीं संडे को भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया था। बात करें अजय देवगन की पांचवी फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म का नाम है सिंघम। आपको बता दें कि सिंघम की सीरीज अब आपको देखने को मिल जाएगी, जहां सिंघम 3 की तैयारियां चल रही है। वहीं सिंघम फिल्म काफ़ी हिट हुई थी। आपको बता दें कि ये फिल्म तेलुगु का रीमेक थी जिसमें सूर्या दिखे थे, और ये फिल्म तेलुगु में भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी। वहीं आपको इन पांचों फिल्मों में से कौन ज़्यादा अच्छी लगी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।